कानपुर आतंकी कनेक्शन मामले में शकील की आफाक से नई सड़क पर हुई थी मुलाकात। घर पर वही दिखाई गई थी पिस्टल। मिनाज और मुशीर लईक के साथ आए थे कानपुर। कानपुर में आतंकियों की मदद करने वाले शकील को ATS नई सड़क लेके गई, जहां पर उसकी मुलाकात आफाक से हुई थी। सूत्रों की माने तो मिनाज और मुशीर लईक के साथ कानपुर आए थे और आफाक से उनकी पहली मुलाकात नई सड़क पर हुई थी। वहां से आफाक उन्हें घर में ले गया, जहां पर पिस्टल दिखाई गई थी। ठीक एक सप्ताह बाद पिस्टल खरीदने को लेके दोनों का समझौता हो गया। आफाक ने लईक को 15,000 रुपये में कंट्रीमेड पिस्टल बेची थी। जब असला समझ में आ गया तो मिनाज ने इम्पोर्टेड पिस्टल की मांग रखी थी। लईक ने आफाक से इस पिस्टल का इंतजाम कराने के लिए कहा था। करीब एक सप्ताह पहले ही आफाक का नाम सामने आ गया। जब उसके साथी पकड़े गए तो एहसास हो गया कि ATS उस तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि वो फरार हो गया। दबिश के दौरान ATS को पता चला कि आफाक ने हैदराबाद में ठिकाना बनाया है। उसको पकड़ना चुनौती बन गया। UP ATS आफाक को पकड़ने के लिए तेलंगाना ATS की मदद ले सकती है। तो वहीं कानपुर में कई लोग के और भी नाम सामने आए हैं। ATS एक एक शख्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसमें आफाक की भूमिका सबसे अधिक है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।